दसवीं के छात्र ने किया कमाल, कबाड़ से बना दी एटीएम मशीन। नोटों के साथ मशीन से सिक्के भी निकलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कहते हैं कि पूत के पाव पालने में ही दिख जाते हैं, किसी का भी टैलेंट छुटपन में ही नजर आ जाता है। राजस्थान के बाड़मेर में कक्षा दसवीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने ऐसा काम किया है जिसके बारे में जानकर बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरान रह जाएंगे। इस छात्र ने घर में पड़े कबाड़ से एटीएम मशीन बना दी है। हैरानी की बात यह है कि छात्र ने जो एटीएम मशीन बनाई है उससे नोट के साथ साथ सिक्के भी निकलते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि छात्र ने जो एटीएम मशीन बनाई है उसे बनाने में छात्र ने एक रुपए भी खर्च नहीं किए और पूरा का पूरा एटीएम घर में पड़े कबाड़ से बना दिया है। ये हूबहू ओरिजिनल एटीएम मशीन की तरह ही काम करती है। इसमें ओरिजिनल एटीएम मशीन की तरह ही कार्ड डाला जाता है और फिर पिन डालने के बाद पैसे निकाले जा सकते हैं। छात्र ने ये एटीएम मशीन भारत सरकार की स्कीम के तहत बनाई है। इस छात्र का नाम भरत है। भरत राजस्थान के बाड़मेर के सिव गांव के रहने वाले हैं। भरत ने दो ऑटोमेटिक एटीएम मशीन बनाई है। वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर काम करती है। एटीएम मशीन भारत सरकार के इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत बनाई गई है। इस स्कीम के तहत 2020 में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 5 बच्चों को चुना गया था, लेकिन तब कोरोना वायरस के चलते कॉम्पिटिशन रोक दिया गया था। अब जबकि प्रोसेस फिर से स्टार्ट हुआ है तो भारत की बनाई एटीएम मशीन को पहले स्टेट लेवल पर और अब नेशनल लेवल पर चुन लिया गया है। भरत जोगल को बचपन से मशीनें बनाने का शौक था। किसान के यहाँ जन्म लेने वाले भरत इससे पहले भी स्कूल प्रोजेक्ट में कई तरह की मशीनें बना चुके हैं। भरत जोगल के पिता दाऊ राम खेती बाड़ी का काम करते हैं और उनकी माँ नेमी देवी गृहिणी हैं। दोनों भाई मजदूरी करते हैं, वहीं बहन 12वीं क्लास में पढ़ती हैं। पूरा परिवार आज भी झोपड़ी नुमा घर में रहता है। भरत ने बताया कि कागज, वायर, छोटी मोटर, रबड़, ढक्कन जैसे बेकार पड़े सामान को लेकर उसने एटीएम मशीन बनाई है। भरत ने ये एटीएम मशीन बनाने में 10 दिन का वक्त लिया। इसके लिए स्कूल के टीचर्स ने भी उसका पूरा साथ दिया, वहीं भाई ने भी उसकी पूरी मदद की। दसवीं के छात्र भरत की बनाई ऑटोमेटिक मशीन लाइट से चलती है। इस एटीएम से 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्के निकाले जा सकते हैं, जिसके लिए इसमें अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। आपको बता दें कि एटीएम में सिक्के पहले से ही डाले जाते हैं। ये सभी सिक्के 1, 2 और 10 रुपए के अलग अलग बॉक्सों में अपने आप चले जाते हैं। इसके बाद इन्हें एटीएम से निकाला जाता है। दसवीं के छात्र भरत जोगल का बचपन से ही एटीएम मशीन बनाने का सपना था। भरत ने स्कूल प्रोजेक्ट में इससे पहले भी कई तरह की मशीनें बनाई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।